ब्रेक बाद आपनुं स्वागत छे। अमदावादमां जाहेर परिवहन क्षेत्रे एमटीएस बाद बीआरटीएस महत्वपूर्ण बनी छे। बीआरटीएस बसना रोजना 1.5 लाख प्रवासीओनो उपयोग करता होवाथी तंत्रने दैनिक रूपिया 18 થી 20 લાખની आवक थाय छे। आथी बीआरटीएसमां वधु नवी 60 इलेक्ट्रिक बसो दौड़ावामां आवशे। मुख्यमंत्रीना हस्ते बसो फ्लेग ऑफ करवामां आवशे। आम कुल 200 इलेक्ट्रिक बसो शहेरमां दौड़ावामां आवशे अने आ माटे नवा 4 रूट उमेरवामां आव्या छे। आ इलेक्ट्रिक बसोना नवा रूट बीआरटीएस कोरिडोर बहारना छे, जेमां વાસણાથી હંસપુરા રિંગ રોડ અને નહેરુનગરથી સાણંદ સર્કલનો નવો રૂટ છે, તેમજ નહેરુનગરથી સાઉથ બોપલ અને મણિનગરથી એરપોર્ટનો નવો રૂટ નક્કી કરવામાં આવ્યો છે। તો આ પ્રમાણે જોઈએ તો શહેરને પ્રદૂષણ મુક્ત કરવાનો આ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે। આ અંદાજિત રૂપિયા 100 કરોડના ખર્ચે બસ ફ્રીક્વન્સીમાં વધારો અને રૂટ વિતરણથી બસ મુસાફરોને લાભ મળશે। અમદાવાદની અંદર बीआरटीएस बस की अंदर 60 नवी इलेक्ट्रिक बस आती काले माननीय मुख्यमंत्री वरद हस्ते सांजे 5 वगैया की शुरुआत करवामां आवशे। जुदा जुदा 4 रूटनी बसों लंबाई है कि वासणा थी हंसपुरा सुधीनो रिंग रोड सुधी बीआरटीएस इलेक्ट्रिक बस शुरू करवामां आवशे। एवी ज रीते नेहरू नगर थी साणंद चौकड़ी सुधीनो रूट लंबावीए छे, एनी अंदर पण इलेक्ट्रिक बस मुकवामां आवशे। साउथ बोपलना भाग में पण नेहरू नगर थी साउथ बोपल सुधीनो बीआरटीएस नो रूटनी अंदर बीआरटीएस रूटनी बहार बीआरटीएस बस दौड़ावामां आवनार छे। मणिनगर थी कालुपुर थी एरपोर्ट सुधीनी नवो एरपोर्ट नो जे रूट आपणे चालू कर्यो हतो कर्णावती थी एरपोर्ट, एवी ज रीते मणिनगर थी एरपोर्ट सुधीनो नवो रूट आपणे शुरू करीए छे। आवतीकाले माननीय मुख्यमंत्रीश्रीना वरद हस्ते अमदावाद शहेरनी अंदर जुदा जुदा 500 કરોડથી વધુ રૂપિયાના લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્તના પ્રોગ્રામ સાંજે રિવરફ્રન્ટ ખાતે રાખવામાં આવ્યા છે અને જુદા જુદા 26 જેટલા સ્થળો ઉપર એનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરવામાં આવનાર હોય